अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आखिर ये अग्निपथ है क्या? तो आइए हम जानते हैं इस अग्निपथ के बारे में विस्तार से। तो जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना निकाली है। इस योजना का नाम अग्निपथ योजना है। आखिर इस अग्निपथ योजना की क्या क्या बड़ी बातें हैं, तो आइए हम जानते हैं इसे। पहली बात यह है कि इस योजना में युवाओं को सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती कराया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत जो युवा भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और इस योजना के तहत एज लिमिट जो है वह 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक रखी गई है। और युवाओं में लगातार आक्रोश को देखते हुए और दंगे फसाद को देखते हुए सरकार ने इस में कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या है? जी हाँ, वो बदलाव ये है कि एज लिमिट जो थी वो 21 साल से बढ़ा करके 23 साल तक की कर दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत युवाओं को तीनों सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ युवाओं को सेवानिधि पैकेज का फायदा भी मिलेगा। यह फायदा जो होगा, उनके महीने की सैलरी से 30% रिड्यूस करके उन्हें सैलरी दिया जाएगा, और बाकी बचे हुए पैसे को ब्याज सहित उन्हें सेवानिधि पैकेज के रूप में प्रदान किया जाएगा। और उनका पे स्किल क्या होगा, अर्थात उनको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आइए हम इस चार्ट से समझते हैं। आप लोग इस चार्ट में देख रहे होंगे कि हर साल उनकी सैलरी इंक्रीज करती जा रही है। तो जी हाँ, ये सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी। अरे किधर चल दिए हैं? अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़